हम यह गारंटी देते हैं कि आप में से 90% लोगों को यह पता नहीं होगा कि नारद जयंती कब होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि नारद मुनि स्वर्ग लोक के कोई फनी करैक्टर हैं जो बस नारायण नारायण करते हैं और देवताओं की चुगली करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि लोग नारद मुनि को सीरियल्स की वजह से जानते हैं, ना कि शास्त्रों से। और सीरियल्स का तो काम ही यही है कि हर चीज़ में एंटरटेनमेंट को घुसा देना। तो आज हम शास्त्र से जानते हैं कि नारद मुनि कौन है। पूरे सनातन धर्म के 90% शास्त्र, जिसमें सबसे मुख्य हैं वेद, उपवेद, पुराण, उपपुराण, अति पुराण, महाभारत, सभी की रचना जिन्होंने की है उन वेद व्यास जी, और इतनी सुंदर रामायण जिन्होंने लिखी वो वाल्मीकि जी, जिनकी भक्ति के चर्चे युगों युगों से आज भी चल रहे हैं, ध्रुव और प्रहलाद, इन सभी के गुरु नारद मुनि ही हैं। अब आप ही सोच लीजिए, जिनके शिष्य इतने महान हैं तो उनके गुरु कितने महान होंगे। शास्त्र का ज्ञान रखने वालों को यह भी पता होगा कि नारद मुनि भगवान विष्णु के जो 25 लीला अवतार हैं उनमें से दूसरे नंबर के मुख्य लीला अवतार हैं। तो आज के बाद अगर आप किसी को नारद मुनि का मजाक उड़ाते देखें तो उनको यह वीडियो दिखा देना।